हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है कैलविन कॉमर्स में आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के नेक्स्ट टॉपिक की जो है केस स्टडी बेस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्वेश्चन रीजन और आपके सिंपल एमसीक्यू ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं तो वो वीडियो जरूर देखिएगा पहले उसके बाद केस स्टडी बेस एमसीक्यू देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्वेश्चन नंबर वन से तो बच्चों पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन आपके सामने है इस क्वेश्चन को पहले पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा कई सारी चीजें उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज कर पाएंगे देखते हैं क्या लिखते हैं निद्या लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन फर्स्ट अप्रैल 2017 विद द रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई ठीक है एक जनरल इंफॉर्मेशन है इस इसका आपके न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या बताया गया है रिफ्लैक्ट रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ रूपीज एट इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज टेन ईच एंड वन लैख प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज फिफ्टी ईच बचो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काम की है अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल क्या है ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो मेमोरेंडम में मेंशन होती है तो मेमोरेंडम में ये सब चीजें मेंशन है कि भाई कंपनी के एट लाख इक्विटी शेयर हैं दस रुपये का एक शेयर और वन लैख प्रेफरेंस शेयर है 50 रुपीज का एक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए काम की है अगर आपसे पूछा जाए कैपिटल बताइए कितनी होगी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ऑथोराइज कैपिटल के बारे में है। अगर आगे हमसे पूछा जाए ऑथराइज का तो यहां से आंसर निकलेगा सिंस सम लार्ज इन्वेस्टमेंट वर रिक्वायर्ड कंपनी को पैसे की जरूरत थी रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग एंड मशीनरी क्यों वही कंपनी को पैसा क्यों चाहिए था कंपनी को बिल्डिंग परचेज करनी थी कंपनी को मशीनरी परचेज करनी थी एंड द कंपनी इन कंसल्टेशन विद द वेंडर तो कंपनी ने किसी से बिल्डिंग और मशीनरी खरीदी बच्चों जिससे हम परचेज करते हैं बिल्डिंग या मशीन उसे हम बोलते हैं वेंडर तो हमने वेंडर से मशीन और बिल्डिंग परचेज करी एंड एमएस वी पी एस एंटरप्राइज इशू ध्यान से सुनिएगा भाई कंपनी ने क्या करा कंपनी ने एक वेंडर से बिल्डिंग परचेज करी मशीनरी परचेज करी और कंपनी ने फिर उसको इशू करे कंपनी ने क्या इशू करे वन लैख वन लैख इक्विटी शेयर एंड ट्वेंटी थाउजेंड प्रिफ्रेंस शेयर एट पार टू दैम इन फुल कंसिडरेशन ऑफ असेट्स एक्वायर्ड तो यहां तक की सारी बातें जो हैं वो आपकी चली गई इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश वाले टॉपिक में तो बच्चों ये पूरा का पूरा टॉपिक ये पूरा टॉपिक आपका चला गया इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश वाले टॉपिक में कंपनी जब शेयर इशू करती है तो जरूरी नहीं है कि पैसा मांगे पब्लिक से जस्ट लाइक like, मैंने आपको शेयर इशू करे जरूरी कि मैं आपसे पैसा ही मांगू हो सकता है मैं आपसे मशीन परचेज कर लूं भाई मैंने आपसे मशीन खरीदी लेकिन मैं आपको कैश नहीं दे रहा मैंने आपको अपनी कंपनी के शेयर दे दिए इस टॉपिक को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडेशन अदर देन कैश लिख दें यहां पे बेटर रहेगा ये टॉपिक है आपका इशू ऑफ शेयर फोर कंसिडरेशन अदर देन कैश कंपनी ने शेयर इशू करे लेकिन कंपनी ने बदले में कैश नहीं मांगा तो कंपनी ने क्या मांगा कंपनी ने सामने वाले से कोई असेट्स परचेज कर ली अब आगे देखते हैं क्या लिखा है बिसाइड दिस इसके अलावा ये तो किया ही कंपनी ने इसके अलावा अब दूसरा टॉपिक चालू होता है बिसाइड दिस कंपनी कंपनी इशू टू लैख इक्विटी शेयर फॉर कैश देखो भाई अब क्या कर रही है कंपनी कंपनी दो लाख शेयर किसी और को दे रही है और उस वाले से कैश मांग रही है कंपनी आपके जो कोर्स में पढ़ चो दो, दो पार्ट है कंपनी शेयर इशू कर रही है बदले पैसा मांग रही है या कंपनी ने शेयर इशू करा लेकिन पैसा नहीं मांगा फिर क्या क्या रीजन था कोई और रीजन कैश के अलावा जब भी कोई और रीजन की बात आएगी तो आप उसे बोलेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश तो ये वाला इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडेशन अदर देन कैश हो गया अब कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वो कैश के लिए कर रही है कंपनी ने दो लाख एक कूटी शेयर इशू कर दिए फॉर कैश एट पार पेबल एस और कंपनी ने पैसे मा, कैसे मांगे भाई तीन रुपए एप्लीकेशन पर दो रुपए अलॉटमेंट पर तीन रुपए फर्स्ट कॉल पर और दो रुपए सेकेंड कॉल पर वह जो कंपनी थोड़ा थोड़ा करके पैसा मांग सकती नहीं मांग सकती मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कंपनी क्या करती है थोड़ा थोड़ा करके पैसा मांगती है यह आपका कैश वाला टॉपिक आ गया जी तो आपका ये पूरा क्वेश्चन है कंपनी ने एक लाख इक्विटी शेयर इशू करे बीस हजार प्रेफरेंस शेयर इशू करे और बदले में मशीनरी और बिल्डिंग परचेज करी तो फिर कंपनी ने दो लाख इक्विटी शेयर और इशू करे बदले में पब्लिक से पैसा मांगा और पैसा कैसे मांगा तीन रुपए एप्लीकेशन पर दो रुपए अलॉटमेंट पर तीन रुपए फर्स्ट कॉल पर दो रुपये सेकेंड कॉल पर थोड़ा थोड़ा करके मांगा इसे बोलते हैं इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगना दो तरीके से क्वेश्चन होता है या तो लमसम या इंस्टॉलमेंट आगे देखते हैं क्या लिखा टिल डेट टिल डेट सेकेंड कॉल हैज नॉट यट बीन मेड कंपनी ने अभी तक पब्लिक से सेकेंड कॉल नहीं मांगी कंपनी ने अभी तक पब्लिक से सेकेंड कॉल का पैसा नहीं मांगा तो कंपनी ने अभी तक केवल तीन रुपए मांगे दो रुपए मांगे और ये तीन रुपए मांगे अभी तक कंपनी ने दो रुपए ये मांगे नहीं है पब्लिक से बाद में मांगी एंड ऑल द शेयर होल्डर हैव पेड एक्सेप्ट सब लोगों ने पैसा दिया सब लोगों ने टाइम पर पैसा दिया एक्सेप्ट मिस्टर अजय एक्सेप्ट मिस्टर अजय हु डिड नॉट एंड कॉल ऑन हिज थ्री हंड्रेड शेयर जो कभी कभी शेयर होल्डर टाइम पर पैसा दे नहीं पाते तो मैंने सबसे पैसा मांगा सबने दिया लेकिन एक मिस्टर अजय थे वो अपना कॉल का पैसा जो कि 300 शेयर पर दे नहीं पाए उनके पास 300 शेयर एंड मिस्टर विपुल हु डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑन हिस्स टू हंड्रेड शेयर तो बच्चों क्वेश्चन में दो डिफॉल्टर हैं एक मिस्टर अजय और एक मिस्टर विपुल मिस्टर अजय हुट पे अलॉटमेंट एंड कॉल ना ये अलॉटमेंट का पैसा दे पाया ना ये कॉल का पैसा दे पाया और इसके पास कितने शेयर हैं तीन सौ शेयर एंड मिस्टर विपुल डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑन टू हंड्रेड शेयर मिस्टर बिपुल भी नहीं दे पाए ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं द शेयर ऑफ मिस्टर अजय फिर हमने अजय के शेयर को क्या करा वर दैन फोर फीट एंड आउट ऑफ दैम हंड्रेड शेयर वर री इशूड एट ट्वेल्व रुपीज पर शेयर बच्चे दोनों के शेयर को मैंने फोर फीट नहीं करा मैंने केवल मिस्टर अजय के शेयर को फोर फीट करा है सबके शेयर को मैंने फोर फीट नहीं करा तो मिस्टर अजय के शेयर को हमने फोर फीट कर लिया फोर फीट करने का मतलब था है उसके शेयर को हमने वापस ले लिया उससे और फिर उन शेयर को हमने किसी और को बेचा ठीक है जी? लेकिन सारे नहीं केवल सौ शेयर तो ये जी हमारा पूरा क्वेश्चन अब चलें सॉल्व करते हैं पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन पूछा क्या गया द शेयर इशू टू वेंडर ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी अगर आप किसी को शेयर इशू करते हो किसी वेंडर को शेयर इशू करते हो क्यों इशू करते हो क्योंकि आपने उसे बिल्डिंग परचेस करी आपने उसे मशीन परचेज करी तो वुड बी क्लासिफाइड एज तो इसको हम कौन से कैसे क्लासीफाइडिफाई करेंगे अपने कोर्स में इसे हम करते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडेशन अदर देन कैश तो फिर बाकी क्या है एम्प्लॉ स्टॉक ऑप्शन प्लान इसमें कंपनी अपने शेयर अपने एम्प्लॉय को देती है ठीक है जी कुछ कुछ सर्विसेज के बदले कुछ कंडीशंस होती हैं कंपनी अपने एम्प्लॉ को शेयर ऑफर करती है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इसमें मैं कुछ पर्टिकुलर लोगों को शेयर अलॉट करता हूं कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड पर्सन को राइट right इशू इसमें कंपनी अपने ही शेयर होल्डर को जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको शेयर ऑफर करती है तो ये तीनों टॉपिक बहुत अलग टॉपिक है राइट इशूज एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ये आपका बिल्डिंग या वेंडर से रिलेटेड नहीं है जब आप किसी से बिल्डिंग परचेज करते हैं किसी से आप मशीनरी खरीदते हैं तो बदले में उनको अगर आप शेयर दोगे तो इसे बोलेंगे इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडेशन अदर देन कैश आंसर इज सी क्वेश्चन नंबर टू हाउ मेनी इक्विटी शेयर शेयर वो होते हैं जो फाइनली पब्लिक के पास हैं तो देखिए भाई पब्लिक के पास कौन से कौन से शेयर है हम इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं यहां पे प्रेफरेंस की बात नहीं कर रहे कंपनी ने एक लाख शेयर इक्विटी वेंडर को दिए वैंडर को इक्विटी शेयर दे दिए और प्रेफरेंस शेयर भी दिए थे बीस हजार लेकिन क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इक्विटी के बारे में है प्रेफरेंस के बारे में नहीं है तो मैं इस टॉपिक की बात नहीं कर रहा केवल इसकी बात करूंगा तो एक लाख शेयर हमने पब्लिक को दे दिए बाकी फिर हमने और भी शेयर इशू करे फॉर कैश कितने शेयर दो लाख शेयर हमने पब्लिक को दे दिए बच्चों वो सारे के सारे शेयर जो पब्लिक को हमने दे दिए उन शेयर को सब्सक्राइब कैपिटल में रखते हैं हमने दो शेयर दो लाख शेयर पब्लिक को दिए लेकिन फिर क्वेश्चन पे चलिए एक बार देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है फिर मिस्टर अजय के शेयर को अजय जिनके पास तीन शेयर है वो टाइम पर पैसा दे नहीं देते थे हमने क्या करा वो तीन शेयर हमने वापिस ले लिए और फिर उन तीन में से हमने फिर से सौ शेयर का क्या करा देखिए ध्यान से देखिए आउट ऑफ दैम हंड्रेड शेयर वर री मैंने दो तीन सौ शेयर वापस ले लिए और फिर इन तीन सौ में से किसी और को सौ शेयर फिर फिर इशू कर दिए तो फाइनली पब्लिक के पास इस वक्त कितने शेयर हैं उन्हीं को उसी को बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। तो भाई मैंने तीन सौ शेयर फोर फीट करें और फिर मैंने शेयर रीइशू कर दिए तो फाइनली पब्लिक के पास यहां पे कितने शेयर हैं? वन लैख नाइंटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड शेयर पब्लिक के पास पहुंच गए शेयर हेल्ड बाय पब्लिक इज वन लैख नाइंटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड शेयर हेल्ड बाय वेंडर तो ये भी शेयर पब्लिक के पास हैं, ये भी शेयर पब्लिक के पास हैं। तो टोटल पब्लिक के पास कितने शेयर हैं टू लैख नाइनटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड वो शेयर जो पब्लिक के पास है शेयर हेल्ड बाय पब्लिक इज नॉन एज अ सब्सक्राइब कैपिटल ठीक है जी तो आपका टोटल इस वक्त पब्लिक के पास वन नाइनटी एक तो ये और वन लैख ,00 वेंडर को हमने दिए थे ये ये टोटल शेयर हम पब्लिक को दे चुके हैं तो आंसर इज टू नाइनटी आंसर एक बार चेक कर लेते हैं आंसर इज सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट तो वापस क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में क्या लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम पे बच्चों जो शेयर हमने पब्लिक को इशू करे थे वो कैसे इशू करे थे देखो ध्यान से हमने पार पर इशू करे थे मतलब हमने कोई प्रीमियम का पैसा तो मांगा ही नहीं तो फिर क्वेश्चन में प्रीमियम कहां से आ गया कोई तो जगह है जहां पे प्रीमियम की बात की गई है दस रुपए का शेयर था और आप यहाँ पे बारह रुपए चार्ज कर रहे हो जब भी हम फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आप चार्ज करते हो उसे प्रीमियम बोला जाता है तो क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रीमियम की कोई बात नहीं हुई है फिर भी आपको पता होना चाहिए अगर फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा चार्ज किया जाएगा तो वो एक्स्ट्रा मनी जो भी आप चार्ज कर रहे हो वो क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अब इसमें बच्चा यहाँ पे गलती क्या करता है उसे लगता है कि दो रुपए का प्रीमियम है बच्चों दो रुपए का प्रीमियम चार रुपए का प्रीमियम है कैसे देखिए क्या कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल का पैसा मांगा सेकेंड कॉल का क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ लो आराम से तसल्ली से वीडियो को पॉज कर लो क्वेश्चन को पूरा पढ़ो वीडियो को पॉज कर लो कोई दिक्कत नहीं पढ़ लिया क्या क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि कंपनी ने तीन रुपए का एप्लीकेशन का पैसा मांगा कंपनी ने दो रुपए का लॉटप्रिंट का मांगा और कंपनी ने रुपए का फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा कंपनी ने अभी तक सेकंड कॉल का पैसा मांगा ही नहीं है तो कंपनी ने टोटल यहां पे कितने पैसे मांगे आठ रुपए तो अभी शेयर की पेड ऑफ वैल्यू कितनी है आठ रुपए लेकिन आठ रुपए की पेड ऑफ वैल्यू के शेयर पे आप बारह रुपए चार्ज कर रहे हो तो एस पी आर बारह माइनस आठ जो अप वैल्यू से ज्यादा पैसा चार्ज जो भी किया जाएगा या फेस वैल्यू से जो भी पैसा चार्ज किया जाएगा वो आपका एसपीआर में जाता है तो आपका एसपीआर का अमाउंट है चार रुपए और टोटल यहां पे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं सौ तो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बन जाएगा हमारा चार मल्टीप्लाय सौ रुपए सौ शेयर पर चार रुपए तो एसपीआर हो जाएगा जी फोर हंड्रेड रुपीज एसपीआर आपका हो गया फोर हंड्रेड रुपीज देखिए जी आंसर इज सी ठीक है जी क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू द कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा इसके लिए आपको फोर फीचर की एंट्री आनी चाहिए तो चलिए पहले फोर फीचर की एंट्री पे बात करते हैं एक मिस्टर अजय है और एक मिस्टर विजय हमने पैसे मांगे तीन रुपए एप्लीकेशन पर दो रुपए अलॉटमेंट पर हमने इस तरीके से पैसा मांगा और तीन रुपए फर्स्ट कॉल पर फाइनल कॉल का पैसा तो हमने मांगा ही नहीं मिस्टर अजय मिस्टर अजय जिनके पास तीन सौ शेयर हैं उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया अलॉटमेंट का नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया एक बार क्वेश्चन पे वापस चल के देखते हैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं मिस्टर अजय के पास तीन सौ शेयर हैं और दूसरा मिस्टर विपुल उनके पास 200 शेयर हैं मिस्टर अजय एंड मिस्टर विपुल विपुल के पास हैं 200 शेयर बच्चों विपुल ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया अलॉटमेंट का पैसा दे दिया लेकिन वो कॉल का पैसा नहीं दे पाए ये आपको डेटा बताया गया क्वेश्चन में मिस्टर अजय एंड मिस्टर विपुल क्या मैंने दोनों के शेयर को फोर करा है या सिर्फ अजय के शेयर को फोर फीट करा है पहले तो ये क्लियर कर लो क्या हमने दोनों के शेयर को फोरफीट करा क्योंकि ये दोनों डिफॉल्टर हैं मिस्टर अजय भी टाइम पर पैसा नहीं दे पाए मिस्टर विपुल भी टाइम पर पैसा नहीं दे पाए तो क्या हमने दोनों के शेयर को फोरफिट कराए नहीं क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा नहीं मेंशन क्वेश्चन में केवल अजय के शेयर को फोरफिट करने की बात हुई है तो मिस्टर विपुल की बात हटा दें यहां से मिस्टर विपुल के टॉपिक को हटा देते हैं तो अजय के फोरफीचर की जनरल एंट्री क्या बनती है बच्चों बहुत सिंपल एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरपेटेड शेयर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर आप यहां पे भी बताइए आपने कितना पैसा मांगा कितना आ गया और कितना नहीं आया 300 शेयर पर आपने ये पैसा मांगा तीन तीन छ सात आठ 300 शेयर पर आपने आठ रुपए के हिसाब से पैसा मांगा मतलब चौबीस सौ रुपए आपने मांगे इसमें से कितने पैसे आ गए तीन सौ शेयर पर केवल तीन रुपए के हिसाब से पैसा आया मतलब नौ सौ आ गए और कितने पैसे नहीं आए पंद्रह सौ नहीं आए ये हो गई है आपकी फोर फीचर की एंट्री बड़ी सिंपल होती है आपने टोटल कितना पैसा मांगा कितना आ गया और कितना नहीं आया अब इसमें से आपने शेयर को क्या कर दिया कुछ शेयर को री कर दिया पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए व्हाट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व तो हमें तीन एंट्री करनी पड़ेगी फोर फीचर रीइशू एंड देन कैपिटल रिजर्व तीन एंट्री होती है बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपने ये 300 शेयर की एंट्री है ये पूरी की पूरी एंट्री 300 शेयर की है लेकिन यहां पर हम 100 शेयर री इश्यू कर रहे हैं बारह रुपए के हिसाब से आपने इन तीन शेयर में से 100 शेयर उठाए और 100 शेयर आपने किसी और को बेच दिए सारे शेयर नहीं उठाए सिर्फ 100 शेयर उठा के किसी और को बेच दिए और कितने रुपए में सौ शेयर आपने बारह रुपए के हिसाब से बेचे हैं तो बारह सौ रुपए के हो गए लेकिन इन सौ शेयर की पेड ऑफ वैल्यू क्या थी आठ सौ रुपए तो बाकी पैसा जो आपने एक्स्ट्रा चार्ज करा वो किस चीज का करा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यह एंट्री क्लियर आपने सौ शेयर बारह रुपए के हिसाब से बेच डाले इसमें से सौ शेयर की पेड ऑफ वैल्यू थी आठ रुपए के हिसाब से आठ सौ रुपए और बाकी 400 रुपए आपने एस पी आर चार्ज करा था अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन एस पी आर का भी किया था क्या बच्चों मैंने सारे शेयर इशू कर दिए या 300 में से केवल 100 शेयर इशू करें सिर्फ 100 मतलब 1/3 राइट तो आप ये समझ लो आप इसमें से इसमें से केवल 1/3 अमाउंट उठाओगे 900 का 1/3 कितना 300 रुपए अगर आपने शेयर वन थर्ड उठाए हैं तो फिर यहां से फोर फीचर का अमाउंट भी वन थर्ड ही उठाओगे इस एंट्री के लिए सारा पैसा नहीं उठा सकते सारा पैसा तभी उठाओगे जब यहां से मैं सारे शेयर उठा के बेचूंगा दो तरह के आपके री इशू होते हैं या तो फुल री इशू या प्रपोर्शनेट री इशू अपनी बुक उठा के देखिए एक बार अगर आपने सारे शेयर उठा के बेच डाले तो मैं ये सारा पैसा उठाऊंगा और इसे पूरा का पूरा मैं यहाँ पे यूज करूँगा लेकिन अगर इसमें से मैंने वन थर्ड तीन सौ शेयर में से केवल मैंने सौ शेयर उठाए हैं मतलब देख देख लो रेशो देख लो शेयर का सौ शेयर तो नौ सौ का वन थर्ड मतलब तीन सौ रुपए मैं उठाऊंगा तीन सौ कहीं यूज हुए फोर फीचर का पैसा यहां कहीं यूज नहीं हुआ ये फोर फिटेड अमाउंट में क्या करूंगा फोर फिटेड शेयर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व ये जो तीन सौ आप ऊपर से उठाने की बात कर रहे हो तीन सौ को क्या करोगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे तीन सौ रुपये आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे तो बाकी पैसे का क्या करेंगे ऊपर जो छोड़ दिया हमने छह सौ रुपए वो सिक्स हंड्रेड रुपीज आपका बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा कब तक जब तक आप बाकी शेयर भी रीइू नहीं कर देते आपके कुछ शेयर अभी तक री नहीं हो पाए इसलिए कुछ पैसा अभी आप यूज नहीं कर सकते उसे आपको बैलेंस शीट के अंदर छोड़ना पड़ेगा कितना पैसा सिक्स हंड्रेड रुपीज आपको बैलेंस शीट के अंदर रखने हैं और थ्री हंड्रेड रुपीज आप अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं तो आपका आंसर होगा बच्चों यहां पे 300। हंड्रेड व्हाट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व मैं कैपिटलिज्म में केवल तीन सौ रुपए ट्रांसफर करूंगा मैं छह सौ रुपए कैपिटलिज्म में ट्रांसफर नहीं करूंगा छह सौ रुपए का क्या करेंगे बैलेंस शीट रखेंगे आंसर आपका सी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर वुड बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट में कितना अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा सिक्स हंड्रेड रुपीज समझ आई बात बहुत अच्छा क्वेश्चन था सिंपल क्वेश्चन भी था और अच्छा भी था तो so चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू तो बच्चों ये पहले वाले से भी थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन होगा ऑन फर्स्ट अप्रैल 2019 थाउजेंड रंजना लिमिटेड मेड एन इश्यू ऑफ 10,000 थाउजेंड इक्विटी शेयर कंपनी क्या कर रही है दस हजार शेयर इशू कर रही है दस रुपए का एक शेयर है और पार पर इशू कर रही है एक रुपए एप्लीकेशन पर चार रुपए अलॉटमेंट पर तीन रुपए फर्स्ट कॉल पर दो रुपए सेकंड कॉल पर एक बार काउंट कर लेते हैं चार तीन सात आठ नौ दस तो कंपनी ने दस रुपए मांगे लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मांगे तो ये भी क्वेश्चन कैसा है भाई इंस्टॉलमेंट वाला एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर फिफ्टीन थाउजेंड शेयर कंपनी दस हजार शेयर इशू करना चाहती है लेकिन एप्लीकेशन आ गई पंद्रह हजार शेयर की भाई मैं तो दस हजार शेयर बेचना चाहता हूं लेकिन लोगों ने अप्लाई कर दिया पंद्रह हजार के लिए इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन अब कंपनी क्या करे या तो रिजेक्शन या प्रोडाटा दो ही ऑप्शन है हमारे पास ऑफ विच एप्लीकेशन थ्री थ्री थाउजेंड शेयर वर रिजेक्टेड अब इस पंद्रह हजार में से तीन हजार वालों को तो हमने कह दिया भाई हम आपको शेयर नहीं दे सकते मना कर दिया और बाकी बारह हजार की एप्लीकेशन का क्या करा वो देखते हैं भाई भाई टोटल एप्लीकेशन पंद्रह हजार है तीन हजार वालों को तो हमने मना कर दिया एंड देयर मनी वाज रिफंडेड और उनका पैसा हमने उनको वापस कर दिया रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन वर इशूड शेयर ऑन द प्रोराटा बेसिस बाकियों को हमने प्रोराटा कर दिया मतलब इनको तो हमने कह दिया भाई हम आपको कुछ नहीं दे सकते इनको हमने कह दिया जी हम आपको दस हजार शेयर दे देंगे बच्चों प्रोराटा का मतलब क्या होता है मतलब मैं मना तो नहीं कर रहा मैं देने से मना नहीं कर रहा प्रोराटा में क्या है हम देंगे लेकिन जितना मांगा है उतना नहीं देंगे थोड़ा कम देंगे ठीक है जी तो जिन्होंने बारह हजार के लिए अप्लाई करा उनको हमने दस हजार शेयर दे दिए जिन्होंने तीन हजार शेयर के लिए अप्लाई करा उनको हमने मना कर दिया तो इनका पैसा हम इनको क्या करेंगे वापस कर देंगे एंड देयर एक्सिस मनी वाज एडजस्टेड टू वर्ड द अलॉटमेंट और इनका जो पैसा है हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे क्वेश्चन करेंगे तब बात होगी इसके ऊपर फिर जतिन टू वूम फाइव हंड्रेड शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे जतिन जिसको हमने पांच सौ शेयर अलॉट किए हैं तो जितनी भी मैंने बातें अभी तक करी है पहले इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व कर लेते थोड़ा सा देखे भाई जिसने बारह हजार शेयर के लिए अप्लाई करा उसको हमने दस हजार शेयर दे दिए अप्लाइड एन अलॉटेड लेकिन जब इन्होंने अप्लाई करा था तो एप्लीकेशन में आपने एप्लीकेशन के टाइम पे कितने पैसे मांगे थे एक रुपए तो जब इन्होंने बारह हजार शेयर के लिए अप्लाई करा तो एक रुपए के हिसाब से इन्होंने आपको बारह हजार पकड़ा दिए होंगे लेकिन आप इनसे क्या कह रहे हैं हम आपको सारे शेयर नहीं दे सकते हम आपको केवल दस हजार शेयर देंगे तो इन्हें कितना पैसा देना चाहिए था एप्लीकेशन के टाइम पर केवल दस हजार आप बारह हजार शेयर के लिए आप अप्लाई करते हो मल्टीप्लाई वन रुपीज बच्चों वन रुपीज कहां से आएगा कंपनी ने कहा था जब आप अप्लाई करो तो एप्लीकेशन के टाइम पर एक रुपया पर शेयर देना आपने बारह हजार शेयर के लिए अप्लाई करा तो मल्टीप्लाई वन रुपीज आपने कंपनी को कितने पैसे पकड़ाए आपने बारह हजार रुपए पकड़ाए लेकिन कंपनी आपको के लिए 10 कह रही है दस हजार शेयर कंपनी कह रही है कितना पैसा देना चाहिए था दस हजार को दो हजार रुपए ज्यादा पकड़ा दिए तो क्या ये कंपनी आपका पैसा आपको वापिस कर देगी नहीं करेगी कंपनी क्या बोलेगी हम आपको शेयर तो दे ही रहे ना मना तो नहीं कर रहे हम आपको दस हजार शेयर तो दे ही रहे इन दस हजार शेयर पर क्या हमें आपसे अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा चाहिए अलॉटमेंट मनी दस हजार शेयर पर चार रुपए के हिसाब से हमें अलॉटमेंट का कितना पैसा चाहिए चालीस हजार आपके दो हजार रुपए यहां पर एडजस्ट हो जाएंगे और आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे केवल थर्टी एट थाउजेंड अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी आपसे दस हजार शेयर पर चार रुपए के हिसाब से आपसे चालीस हजार मांगेगी लेकिन आप क्या बोलोगे कंपनी को जी हमारे दो हजार रुपए हमने पहले एडवांस दे रखे हैं तो दो हजार रुपए यहां पर यूज हो जाएंगे और बाकी पैसा आपको केवल थर्टी एट थाउजेंड रुपीज ही देना पड़ेगा तो इतने क्वेश्चन के बेस पर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द अमाउंट रिफंडेड टू द शेयर होल्डर सबसे पहले तो ये बताइए आप कितना पैसा वापस करेंगे लोगों का जिन लोगों ने तीन हजार शेयर के लिए अप्लाई करा था मल्टीप्लाई वन रुपीज के हिसाब से उन्होंने आपको तीन हजार रुपए दिए थे क्या आपने उनको शेयर दिए या उनको मना कर दिया आपने उनसे कहा जी हम आपको शेयर नहीं दे सकते तो इनका पैसा आपको वापस करना पड़ेगा तो आपको तीन हजार रुपये वापिस करने पड़ेंगे रिफंडेड मनी बी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई करा लेकिन कंपनी ने उनको मना कर दिया जिन लोगों ने तीन हजार शेयर के लिए अप्लाई करा था कंपनी ने उनको मना कर दिया तो कंपनी को उनका पैसा उन्हें वापस करना पड़ेगा जो कि वन रुपीज एप्लीकेशन के हिसाब से तीन हजार बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी एज जस्ट विद द अलॉटमेंट अभी हमने पीछे निकाला दो हजार एप्लीकेशन के टाइम पर आपके पास कितना एक्स्ट्रा मनी ऐसी आएगी जिसे आप एडजस्ट करेंगे कहां एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के अंदर तो हमारे पास बच्चों दो हजार रुपए एक्स्ट्रा आ रहे थे हमें बारह हजार रुपए रिसीव हुए थे इन बारह हजार शेयर से उन तीन हजार की मैं बात नहीं कर रहा वो तीन हजार तो रिजेक्ट हो गए जिन लोगों ने बारह हजार शेयर के लिए अप्लाई करा था मल्टीप्लाई वन करके उन्होंने बारह हजार कंपनी को पकड़े थे लेकिन हमें उन्हें दस हजार रुपए के हिसाब से दस हजार शेयर पर एक रुपए के हिसाब से दस हजार चाहिए थे तो दो हजार रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा थे इसे बोलते हैं एक्सेस मनी एडजस्ट इन अलॉटमेंट ठीक है थी? तो आपका आंसर आपका दो हजार रुपए नंबर थर्ड व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट अलॉटमेंट पर हमें कितना पैसा रिसीव हुआ अब इसके लिए पहले क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा कुछ लोग यहां पर डिफॉल्टर हुए थे जतिन जतिन टू वो 500 शेयर्स वर अलॉटेड जतिन जिसको हमने 500 शेयर अलॉट किए हैं तो उसने अप्लाई कितने के लिए करा होगा यहां पे आपको अप्लाइड और अलॉटमेंट की रेशियो को बच्चों समझना पड़ेगा जिन्होंने 12 के लिए अप्लाई करा आपने उनको दस हजार शेयर दिए तो यहां से एक रेशो निकलती है और वो रेशियो क्या है ट्वेल्व और टेन या आप कह सकते हैं सिक्स और फाइव ये अप्लाइड है और ये अलॉटमेंट है जिन्होंने छह शेयर के लिए अप्लाई करा आपने उनको पांच शेयर दिए जिन्होंने छ सौ के लिए अप्लाई करा होगा सौ शेयर दिए होंगे तो जतिन को अगर पांच सौ शेयर मिले हैं तो उसने अप्लाई कितने के लिए कराओगा इसने छ सौ शेयर के लिए अप्लाई करा होगा ठीक है जी निकालते कैसे हैं? वो भी देख लो अगर आप जानना चाहते हैं अप्लाईड के बारे में और आपको पता है अलॉटेड शेयर के बारे में तो अलॉटेड शेयर को अलॉटमेंट की रेशियो से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो अप्लाइड की रेशो से 500 शेयर डिवाइड बाय पांच मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा जी 600 तो जतिन ने 600 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा लेकिन इसको मिले कितने 500 शेयर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ जतिन की अभी जतिन ने 600 शेयर के लिए अप्लाई करा था तो एक रुपए के हिसाब से जतिन ने कंपनी को छ सौ रुपए होंगे लेकिन जतिन को मिले केवल पांच सौ शेयर तो जतिन को पांच सौ रुपए थे तो जतिन ने क्या सौ रुपए एक्स्ट्रा दे दिए जैसे हमने यहां पे बात करी है सबके लिए यहां पे सिर्फ जतिन की बात कर रहा हूं मैं जतिन ने छह सौ शेयर के लिए अप्लाई करा मल्टीप्लाई वन रुपीज करके उसने कंपनी को छ सौ रुपये पकड़ा दिए लेकिन कंपनी ने जतिन से क्या कहा मिस्टर जतिन हम आपको केवल पांच शेयर दे पाएंगे इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे तो पांच शेयर पे वन रुपीस के हिसाब से ये सारी बातें एप्लीकेशन के पैसे की हो रही है मल्टीप्लाई वन करके जतिन को कितने पैसे देने चाहिए थे सिर्फ पांच सौ जतिन ने सौ रुपए एक्स्ट्रा पकड़ा दिया कंपनी को अब योगे जी एप्लीकेशन की बात अब मैं जरा अलॉटमेंट की बात कर लू जतिन के पास जतिन के पास 500 शेयर शेयर है मल्टीप्लाई तो चार रुपए के हिसाब से जतिन को दो हजार रुपए का अलॉटमेंट मनी बनता है लेकिन जतिन ऑलरेडी सौ रुपये दे चुका है एक्स्ट्रा दे चुका है तो ये सौ रुपए क्या हो जाएंगे एडजस्ट हो जाएंगे तो so फाइनली मुझे जतिन से कितने पैसे मांगने हैं अलॉटमेंट के टाइम पर केवल उन्नीस सौ रुपए मांगने हैं क्या जतिन उन्नीस सौ रुपए दे पाया शेयर पर चार रुपए के हिसाब से जतिन के अलॉटमेंट के दो हजार रुपए बनते हैं लेकिन सौ रुपए क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा आ चुके थे जब भी आपके पास एप्लीकेशन के अंदर कोई एक्सेस मनी आ जाती है उस एक्सेस मनी का आप क्या करते हैं उसे अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट करते हैं यहाँ पे भी हमने देखो ये किया था बारह हजार रुपए आए चाहिए थे केवल आपको दस हजार रुपए दो हजार रुपए एक्स्ट्रा आ गए क्या करें दो हजार का हम इसे अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट कर देंगे तो यहां पर अगर मैं देखूँ मुझे थर्टी एट थाउजेंड रुपीज चाहिए उस थर्टी एट थाउजेंड में से मैं सिर्फ जतिन की बात करूं तो जतिन से मुझे उन्नीस सौ रुपए चाहिए वापस चलते हैं क्वेश्चन पर जतिन टू वूम फाइव हंड्रेड शेयर वर अलॉटेड पे टू पे द अलॉटमेंट मनी जतिन अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया एंड हिज शेयर वर फोरफीटेड आफ्टर द अलॉटमेंट फिर कंपनी ने उसके शेयर को क्या कर दिया फोरफीट कर लिया टोटल मुझे ये मैं किसी एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहा ये ओवरऑल बात हो रही है बच्चों यहाँ पे यहां पे मैं सारी ओवरऑल बातें कर रहा हूं यहां पे मैंने केवल जतिन की बात करी है सिर्फ जतिन की तो टोटल मुझे थर्टी एट थाउजेंड रुपीज अलॉटमेंट के चाहिए उसमें से जतिन से मुझे उन्नीस सौ रुपए चाहिए थे और जतिन उन्नीस सौ नहीं दे पाया जी आपके पास अलॉटमेंट के टाइम पे आपको कितना पैसा रिसीव हुआ टोटल अलॉटमेंट मनी रिक्वायर्ड थर्टी एट थाउजेंड अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम जतिन और जतिन से मुझे कितना पैसा नहीं मिला उन्नीस सौ रुपए नहीं मिले तो फाइनली मेरे पास आया कितना पैसा थर्टी सिक्स थाउजेंड्रेडी सिक्स कर रहा हूं एक आपको दो पॉइंट ऑफ से तो समझना होगा क्वेश्चन एक तो सबकी बात करनी है और एक आपको किसी एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर की बात करनी है जो डिफॉल्टर है तो टोटल मुझे थर्टी एट थाउजेंड रुपीज चाहिए थे उसमें से थर्टी एट थाउजेंड में से मुझे जतिन से उन्नीस सौ रुपए चाहिए थे और जतिन उन्नीस सौ रुपए नहीं दे पाया तो फाइनली मुझे थर्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड रुपीज मिले हैं अमाउंट ऑफ फोर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व तो इसके लिए वापस चलो क्वेश्चन पे हमें क्वेश्चन पे पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है तो आपने उसके शेयर को फोरफिट कर लिया फिर आगे रुचि हु अप्लाइड फोर एटीन हंड्रेड बचो इसने अट्ठारह सो के लिए अप्लाई करा है तो इसको अलॉट कितने हुए होंगे ये पता करना पड़ेगा अट्ठारह सो डिवाइड बाय आपको अगर अप्लाइड पता है तो उसे अप्लाइड की रेशियो से डिवाइड करो और अप्लाइड की रेशियो है छह अलॉटमेंट की रेशियो है फाइव तो सिक्स मल्टीप्लाई फाइव सो तो रुचि रुचि के पास कितने शेयर है पंद्रह सौ शेयर उसने अठारह सो शेयर के लिए भले ही अप्लाई कराओ लेकिन कंपनी ने उसको अठारह सौ शेयर दिए नहीं होंगे कंपनी ने केवल उसको पंद्रह सो शेयर दिए होंगे रुचि हु हुईड फॉर एटीन हंड्रेड या अलॉटेड फॉर फिफ्टीन हंड्रेड शेयर फेल टू पे टू कॉल्स एंड ऑन हर सच फेलियर हर शेयर वर्क फोर पीटेड तो मैंने दो लोगों के शेयर को फोरफिट करा है एक मिस्टर जतिन और एक रुचि बच्चों इस वैल्यू को थोड़ा चेंज कर लीजिए ये गलत था यहां पे, इसको थाउजेंड कर लीजिए थाउजेंड शेयर फोरफिटेड शेयर थाउजेंड फोरफिटेड शेयर वर री इशूड तो जितने भी शेयर ऊपर हमने फोरफिट करे उसमें से हमने हजार शेयर उठाए और फिर हमने हजार शेयर किसी और को भेज दिए फोरफिटेड शेयर वर री इशूड एज अ फुल्ली पेड द रिसिप्ट ऑफ नाइन रुपीज पर शेयर द होल ऑफ जतिन और इन सारे शेयर में जतिन के बींग इंक्लूडेड जैसा कि मैंने आपको बोला फुल है, ये करने के लिए आपको पूरा का पूरा पहले बेस तैयार करना पड़ेगा तो जितने भी हमने एमसी करवाए हैं पहले वो वीडियो एसेशन रीजन वाली पूरी की पूरी पहले देखो उसके बाद यह क्वेश्चन आएगा सीधा सबसे पहले ये क्वेश्चन उठा लोगे तो हो सकता है भाई थोड़ा मुश्किल लगे तो पहले अपना बेस तैयार कीजिए हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो देखकर हमारे पूरे पैकेज को अगर आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा आपको पूरा डिटेल में समझ आएगा तो चलिए फिर भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं भाई आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है तो कहां तक तो होगा हमारे क्वेश्चन क्वेश्चन थर्ड हमारा हो गया क्वेश्चन फोर्थ पे थे हम तो बच्चों इसके लिए पहले हमें जनरल एंट्री करनी पड़ेगी फिर से पहले फोर फीचर की एंट्री फिर री इशू की एंट्री उसके बाद कैपिटल रिजर्व की एंट्री तीन एंट्री आपको समझनी है तो पहले फोर फीचर की एंट्री समझिए शेयर कैपिटल टू फोर शेयर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर शेयर कैपिटल में आप क्या दिखाएंगे आपने टोटल कितना पैसा मांगा फोर फीचर में आप दिखाओगे कि आपके पास कितना पैसा आया और कॉल एरियर में कितना पैसा नहीं आया मैं यहां पे बात कर रहा हूं जतिन की सिर्फ जतिन की बात कर रहा हूं अभी मैं तो जतिन उन्नीस सौ रुपए नहीं दे पाया था उसने छ सौ रुपए दे दिए थे और टोटल मैंने उससे कितने पैसे मांगे चार रुपए मैंने अलॉटमेंट के मांगे एक रुपया मैंने एप्लीकेशन का मांगा और टोटल मैंने उससे पांच रुपए मांगे पांच सौ शेयर पर पांच सौ शेयर पर पांच रुपए के हिसाब से मैंने उससे ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज मांगे थे जिसमें से वो छह सौ रुपए दे चुका है और उन्नीस सौ रुपए वो नहीं दे पाया देख लीजिए पीछे हमने ये किया था यहां पर क्या लिखा था अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम जतिन उन्नीस सौ रुपए और पीछे देखिए अब सारी पिक्चर आपको एकदम एकदम क्लियर हो जाएगी जतिन ने छह सौ शेयर के लिए अप्लाई करा था और मल्टीप्लाई वन करके उसने मेरे हाथ में कितने पैसे पकड़ाए थे सिक्स हंड्रेड तो मैं कह सकता हूं जतिन छ सौ रुपए दे चुका है और उन्नीस सौ रुपए नहीं दे पाया ठीक है जी तो टोटल मैंने उससे कितने मांगे थे टोटल मैंने एप्लीकेशन का वन अलॉटमेंट का फोर टोटल मैंने उससे पांच रुपए मांगे हैं पांच सौ शेयर पर तो टोटल हमने उससे ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज मांगे हैं एक रुपए एप्लीकेशन पर चार रुपए अलॉटमेंट पर तीन दो पांच चार और पांच ठीक है अब बात कर रहे हैं हम दूसरे दूसरा जो भी था पार्टनर पर्सन शेयर कैपिटल टू फोर शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर एक दूसरा पर्सन भी था जो डिफॉल्टर हो गया था एक और था रुचि ये भी पैसा दे नहीं पाई इसके पास कितने शेयर है रुचि के पास पंद्रह सो शेयर रुचि के पास पंद्रह सो शेयर हैं ये एप्लीकेशन का पैसा दे चुकी है अलॉटमेंट का पैसा दे चुकी है मतलब पांच रुपए आपको दे चुकी है और तीन रुपये फर्स्ट कॉल का नहीं दिया दो रुपया सेकेंड कॉल का नहीं दिया ठीक है जी तो टोटल ये कितना पैसा नहीं दे पाई पांच रुपये दे दिए और पांच रुपये नहीं दिए पंद्रह सौ शेयर हैं दस रुपये के हिसाब से आपने पंद्रह हजार रुपए मांगे जिसमें से साढ़े सात हजार रुपये आ चुके हैं और साढ़े सात हजार रुपये नहीं आए अब आपने क्या करा आपने बच्चों ये 1500 शेयर की एंट्री है और ये 500 शेयर की एंट्री है जतिन के पास 500 थे और रुचि के पास 1500 शेयर थे मैंने इसे पच्चीस रुपये मांगे छह सौ दे चुका था और ये उन्नीस सौ नहीं दे पाया था आपने पंद्रह हजार मांगे सेवेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज दे चुका है सेवेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज नहीं दे पाया फिर आपने क्या करा आपने इनमें से हजार शेयर उठाए और हजार शेयर के आपने क्या करा फिर से बेच डाला और हजार शेयर आपने क्या करे रीइशू करे बच्चों ये रीइशू की एंट्री है आपने थाउजेंड शेयर इशू कर दिए लेकिन आपने थाउजेंड शेयर पर केवल नौ रुपए मांगे लेकिन वो थाउजेंड शेयर की जो अप वैल्यू थी वो दस रुपए थी शेयर तो दस रुपए का था भाई मतलब आपने दस हजार के शेयर आपने किसी को नौ हजार में दे दिए तो आपका एक हजार का नुकसान हो गया उस एक हजार के नुकसान की भरपाई हम फोर फीचर से ही करेंगे तो फोर फीटेड शेयर अकाउंट अब कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे यहां तक पहुंचने के लिए पहले ये सारा समझना पड़ता है ना तभी तो पता करेंगे आपने जब सौ यहां पे हजार शेयर उठा के बेचे इस हजार में से पांच सौ तो इसके शेयर हैं और इसके भी पांच सौ है क्वेश्चन में लिखा है भाई मैंने जतिन के सारे के सारे शेयर उठाए और यहां से मैंने केवल पांच सौ शेयर उठाए और मैंने हजार शेयर उठा के मैंने बेच दिए क्या आपने यहां से पूरा पैसा उठा लिया क्या यहां से सारे शेयर उठाए पांच सौ पूरे हां जी पूरे उठाए तो ये पूरा पैसा उठाओ ये पूरा पैसा उठा लो क्या यहां से आपने सारे शेयर उठा के बेच डाले ये पंद्रह शेयर की एंट्री है और यहां से आप केवल पांच सौ उठा रहे हो पंद्रह शेयर में से केवल पांच सौ शेयर मतलब वन थर्ड तो यहां से भी केवल वन थर्ड उठाओगे वन थर्ड कितना होता है फाइव हंड्रेड का वन थर्ड पच्चीस सौ रुपए तो आपने पच्चीस सौ यहां से उठाया छह सौ यहां से उठाया टोटल आपके पास कितना पैसा बन गया इकतीस सौ रुपए, इस इकतीस सौ रुपए में से हजार रुपए यहां लग गए बाकी कितने रह गए आपके पास इक्कीस सौ रुपए क्या करें उस इक्कीस सौ रुपए का बच्चो वो इक्कीस रुपए जो बच गए ना वो कैपिटलिज्म में जाते हैं आंसर इज डी समझ लो आराम से तसली से पहले तो क्लियर करना है पहले फोर फीचर की एंट्री समझनी जरूरी है बच्चों कैपिटल दर तक तो पहुंचना है तो ये स्टेप तो जरूरी है फोर फीचर की एंट्री में तीन बातें ध्यान रखो आपने कितना पैसा मांगा कितना आ गया और कितना नहीं आया बस ये तीन ही तो बातें हैं पाँच शेयर पे पाँच रुपये के हिसाब से मैंने पच्चीस मांगे छः आ गए उन्नीस नहीं आए और इसके शेयर को मैंने फोर कर दिया पंद्रह सौ शेयर पर दस रुपए के हिसाब से पंद्रह हजार मांगे साढ़े सात हजार आ गए साढ़े सात हजार नहीं आए फिर मैंने इसके शेयर को भी फोरफिट कर दिया ये पंद्रह सौ शेयर की एंट्री है ये पांच सौ शेयर की एंट्री है फिर आपने हजार शेयर उठाए इनमें से हजार शेयर उठाए और हजार शेयर उठा के बेच दिए नौ रुपए पर बेच दिए हजार शेयर नौ रुपए पर बेच दिए मतलब नौ हजार में बेच दिए लेकिन हजार शेयर की पेड ऑफ वैल्यू कितनी है हजार शेयर की पेड ऑफ़ वैल्यू है दस हजार रुपये मतलब दस हजार के पेड ऑफ वैल्यू के शेयर आप नौ हजार में बेच रहे हो एक हजार का नुकसान हो गया एक हजार के नुकसान की भरपाई मैं कहां से करूंगा फोर फीचर के पैसे से तो एक हजार रुपए यहां पर आ गए कहां से आई एक हजार रुपये यहां से निकल कर आए एक हजार रुपए यहां से आ गए फोर फीचर से आपके इसके नुकसान की भरपाई हो गई चलिए जी अब आप ऐसे समझिए आपने यहां से पूरे पांच सौ शेयर उठा के बेच रहे हो आप यहां से पूरे पांच सौ शेयर उठा के बेच रहे हो और यहां से भी पांच सौ शेयर उठा रहे हो यहां से आप सारे के सारे शेयर उठा रहे हो तो यहां से पूरा पैसा निकाल लो आप यहां से ये पंद्रह सौ शेयर की एंट्री है आप केवल यहां से 500 सौ शेयर उठा रहे हो मतलब वन थर्ड सारा अगर आप सारे शेयर उठाओगे तो सारा पैसा उठाओ अगर आधे शेयर उठा रहे हो तो आधा पैसा उठाओ लॉजिकल है प्रपोर्शन बात करते हैं यहां से आप वन थर्ड शेयर उठा रहे हो वन थर्ड तो पैसा भी केवल वन थर्ड उठाओगे तो यहां से पिछहत्तर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज यूज करे आपने का जी फोर फीचर का छह सौ मेरे पास हो गया टोटल फोल फीचर का इकतीस सौ रुपए लेकिन इस इकतीस सौ रुपए में से हजार रुपए तो यहां लग गए बचे कितने आपके पास ट्वेंटी वन हंड्रेड रुपये बचे जो कि कैपिटलिज्म में चला जाएगा अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है कितना पैसा आपने अभी तक नहीं उठाया यहां से तो सारा यूज कर लिया यहां पे सेवनटी फाइव हंड्रेड था सेवनटी फाइव हंड्रेड में से आपने केवल यहाँ पे ट्वेंटी फाइव हंड्रेड लेके गए बाकी कितना पैसा आपने यहां छोड़ दिया आपने फाइव थाउजेंड रुपीज यही छोड़ दिए वो फाइव थाउजेंड कहां जाएंगे वो जाएंगे बच्चों बैलेंस शीट के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन अमाउंट ऑफ फोर फीचर ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट बैलेंस शीट में कितना पैसा लेकर जाओगे पांच हजार रुपए आंसर इज सी तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और भी क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको लेकिन पहले आप जितना हमने ये करवाया है पहले आप इसको प्रैक्टिस कीजिए इसके बाद हम आपको और भी असिस्ट करने के लिए 24 फोर आवर्स हमारी सर्विस अवेलेबल रहेंगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा थैंक यू सो मच मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाटा बाय